कक्षा कक्षा नव के सभी छात्रों मेरा प्रणाम हम तृतीय पाठ गोदोहनम् दूध काढ़ना गो का दूध का दोहन करना दूध निकालना एतत नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी का महोदय यह नाट नाटक का अंश चंद्र कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा तृतीयभ्यक्तिवचन रचिता रचित इति पुस्तका चतुर्भम आदि पुस्तक से संक्षिप्य लिया गया है संपादक च संपादित किया गया है उदृतम अस्वीन नाटके एकदृश जनश कथा अस्ति इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कथा का कथा है यह धनवान सुख काखी भवितुम जो धनवान और सुख बनने के लिए होने के लिए का इच्छुक मास पर्यतम एक माह तक दुग्ध दोहना देव वीरमति दुग्ध दोहना करना बंद कर देता है एन मासांते जिससे मास के अंत में धेनु शरीरे संचितम पर्याप्त दुग्धम एक बार में गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ दूध एक बार एक बार में ही विक्रय बेचकर संपत्ति संपत्तिम अर्जित संपत्ति प्राप्त करने के लिए समर्थ भवे समर्थ हो परम मासांते यदा स जब वह मास के अंत में दुग्ध दोहनाए दूध दोहने के लिए प्रयत्त प्रयत्न करने लगता है तदाश दुग्धबिंदुअप न प्राप्त हो दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती हैं दुग्ध प्राप्ति स्थान स दूध के प्राप्ति के स्थान पर उसे धेनु प्रहारे गाय के प्रहार रक्तरंजित भवती गाय के प्रहार के द्वारा वह रक्तरंजित हो जाता है खून से संजाता है अवगछति और, और है कि कि दैनंदनी कार्य यदि मास पर्यतम संग्रह क्रियते तथा लाभ स्थाने हानिरव होती और वह कहता है कि दैनिक कार्य को यदि मास के अंत में किया जाए तो निश्चित ही लाभ के स्थान पर हानि होती है अर्थात इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कार्य को इकट्ठा नहीं करना चाहिए कार्य को करते रहना चाहिए और इकट्ठा किए गए कार्य से नुकसान होता है प्रथम दृश्य मलिका मोदकानी रचयती मल्लिका जो होती है उसकी पत्नी का नाम है मलिका वह मोदक बनाती है मंद मंदस्वरेण शिव स्तुति करोती और मंद स्वर में भगवान शिव की स्तुति करती हैं तथा प्रविशति तब प्रविश इसके बाद प्रवेश करता है मोद, मोद गंधम चंदन चंदन उसके पति का नाम है चंदना आह सुगंधुम अस्तु मनोहर वो कितनी सुगंध मनोहर मनमोहक सुगंध है विलोक के देखकर अये मोदकानी रच ये मोदक रखे हुए हैं प्रसन्न भूतवा प्रसन्न होकर भूतवाने होकर भूधन कत्व प्रत्ये इसमें अस्वादयामी तावत मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ मोदकम ग्रहीतुम इच्छती और मोदक को लेना चाहता है मल्लिका मल्लिका बोलती सक्रोधम क्रोध से विरम विरम रुको मत मोदकानी इन लड्डुओं को चंदन किमर्थम क्रुच्यति किस लिए क्रोधित हो रहे हो तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा अहम जीवलुपता नियंत्रित अक्षम तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू को देखकर मेरी जुबान की जो को नियंत्रित करने में मैं असक्षम हूँ कि जाना से? तुम इधक तुम इदत, तुम, तुम यह क्या नहीं जानती मलिका सम्यक जाने मी नाथ में स्वामी मैं ठीक प्रकार जानती हूँ परम एतानी मोदकानी पूजानी निमित्तानी सन्ति परंतु ये मोदक जो हैं पूजा के लिए रखे गए हैं चंदन तरी शीघ्र में वो पूजनम संपादना प्रसादम चेही तो शीघ्र ही पूजा संपादित करो और प्रसाद के रूप में लड्डू मुझे दो मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति अरे आज पूजन नहीं होगा अहम सखी भी सह स्वतः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गसा मैं अपने सखियों के साथ प्रतः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊँगी त्र गंगास्नान धर्मयात्राश्च वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करूंगी अहम करेंगे चंदन सखी भी सह न मैया सह विषाद नाट्यति वह विनोद प्रो कहता है कि क्या मैं सखी के साथ नहीं जा सकता मलिका आम मैं सखी भी सह न मया सह सखियों के साथ मेरे साथ नहीं मलिका आम चंपा गौरी मया मोहिनी कपिल आदय सर्वा ग्छन सभी जाएंगी अतः मया सह गमनस्य औचित्यम नास्ति इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है वयम सप्ताह अंत में प्रत्या सप्ताह के अंत में लौटूँगी हम लौटेंगे तावत ग्रह व्यवस्था परिपालय तब तक तुम घर की व्यवस्था और का करना चंदन अस्तु भी यात्रा से आनंदित चव तुम जाओ सखियों के साथ यात्रा में आनंदित हो अहम सर्वपी परिपालन श्यामी में सभी पालन कर लूंगा शिवस्त संतु पंथान भगवान शिव तुम्हारी मार्ग कुशल करें मतलब ठीक करे चंदन मलिका तो धर्म यात्रा मलिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई अस्तु दो कर दूध दोहन करने के बाद सुबह का नाश्ता का प्रबंध करता हूँ स्त्री वेश भूतवा स्त्री का वेश धारक है दुग्ध पात्र हस्त नंदनिया समीपम गच्छति दूध का पात्र लेकर नंदिनी के पास जाता है उमा मातुलानी मातुलानी उमा नाम की भांजे आती है और बोलती है मातुलानी मातुलानी मामी मामी चंदन उमे अहम तू मातुला मैं तो मामा हूँ तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति तुम्हारी माता मामी तो गंगा की स्नान करने के लिए काशी गई हैं कथय किम ते प्रिय करवाणी तुम बताओ तुम ले मैं क्या करूँ उमा पितामह कथियति पितामह कहते कि मासांतरम अस्मद ग्रह महोत्सव भविष्यति मास के अंत में उनके घर महोत्सव होगा तत्र त्रिशत मितम दुग्धम अपेक्षति वहाँ पर तीस लीटर दूध की अपेक्षा आवश्यकता है ऐसा व्यवस्था भव दिप करणिया ऐसी व्यवस्था आपको करना है चंदन प्रसन्नता में त्रिशत सेठकम परिमित दुग्धम तीस लीटर दूध शोभनम ठीक है दुग्ध व्यवस्था भविष्य भविष्य दूध की व्यवस्था हो जाएगी ए वीति पिताम प्रति त्यक्त वक्तव्यम ए पिता के पास जाकर तुम बोल देना उमा धन्यवाद मातुला निर्गति धन्यवाद करते कह वह वहाँ, वहाँ से निकल जाती है इस प्रकार से ये चैप्टर का इतना दो दृश्य मैंने बता दिया है तीसरे दृश्य से अगले वीडियो में बताएंगे जय हिंद जय जै भारत